hello friends today again i'm here with you with a new topic of fundamental of nursing that we are studying fundamental of nursing before that before starting our topic that is paracentesis i welcome you all to my youtube channel the creative nursing academy and uh, let's start with the quote by Rumi, everything in the universe is within you. Ask all from yourself. Sometimes we find so many things in the outside world, but the universe is within us. We are something, we can do anything. And uh, if I explain you in a easy language that everything is within us. सब हमारे अंदर ही हैं हम बहुत सारी चीज़ों को बाहर ढूंढते फिरते हैं लेकिन बाहर कुछ नहीं है हमें परिवर्तन की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है और अब जो है अगर आप जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल ही जाता है तो इसी सिलसिले में अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी आपको जो आपको जॉब चाहिए वो आपको मिल पाएंगे दोस्तों तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था और कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो आवर चैनल लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे तो वी, वी, वी आर हियर वी आर हियर विद एब्डोमिनल पैरासेंट्रसिस दिस इज एब्डोमिनल पैरासेंट्रेसिस इसमें क्या करते हैं हम कि जो पेरिटोनियल लेयर है उसमें अगर कोई फ्लूड कलेक्ट हो जाता है इस पेरिटोनियम ये जो पेरिटोनियम लेयर है वहाँ पर फ्लूड कलेक्ट हो जाता है तो हम उसके रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं पेरा सिस ओके फ्रेंड्स सो अब स्टार्ट करते हैं सो हाउ शुड वी डिफाइन एबडामिनल पैरासेंटेसिस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लूड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी, ये एक प्रोसेस है फ्लूड को रिमूव करने की कहाँ से पेरिटोनियल कैविटी से सो वी कॉल दिस एबडोमिनल पैरासेंटेसिस वट आर द पर्पज ऑफ द प्रोसेस पर्पज इज टू रिड्यूज द प्रेसर फ्राम एबडोमिनल कैिटी एबडोनल ऑर्गन एबडोमल के ऑर्गन हैं उनके ऊपर जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है प्रेशर पड़ रहा है उसको रिमूव करने के लिए रिड्यूस करने के लिए रिलीफ फ्राम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उससे रिलीफ करने के लिए और डायग्नोस्टिक एंड थेराबेटिक पर्पज़ भी हो सकते हैं एंड प्रोवाइड कम्फर्ट कम्फर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी हमेशा कर सकते हैं क्या कर सकते हैं एबडोमिनल पैरासेंटासिस उसके बाद इंडिकेशंस क्या है वट आर द इंडिकेशंस यानी कि हम कब ऐसा करेंगे तो जो मेस्ट मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन है वो है असाइटिस ओके वट इज़ अर असाइटिस इफ़ यू डिफाइन असाइटिस असाइटिस इज़ कलेक्शन ऑफ फ्लूड इन पेरेटोनल कैिटी पेरेटोनल कैिटी के अंदर फ्लूड का जमा होना कलेक्ट होना इकट्ठा होना क्या कहलाता है असाइटिस कहलाता है और जैसे कि कब कब देखा जा सकता है लीवर कार्सिनोमा में एंडोमिन कैंसर में एक्सेसिव एल्कोहल इनटेक अधिक दारू पीना भी असाइटिस का कारण हो सकता है दोस्तों तो शराब नहीं पी ना पीने दें तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर नर्सेज रोल प्रायोर टू प्रोसीजर प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या नर्सेज के रोल रहेंगे वो हम देख लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा वो है एमटी यूरिनरी ब्लैडर ऑफ द पेशेंट बिफोर प्रोसीजर प्रोसीजर से पहले हमें क्या करना है ब्लैडर एम करवाना है मतलब यूरिन को पेशेंट को बोलना है आप यूरनेट कर लीजिए उससे क्या होगा कि पंक्चर होने के चांसेस जो है वो नहीं रहेंगे ओके हम क्या है एब्डोमिनल कैविटी को पंक्चर करने वाले हैं तो अगर हम आ, जो है अगर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि अगर जो है ब्लैडर भरा हुआ रहेगा तो वो कहीं ना कहीं एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा और जब हम पेरिटोनियम को पंक्चर करने जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर पंक्चर हो जाए तो रप्चर ऑफ यूरिन ब्लैडर ना हो इसलिए हम उसको यूरिनेट करवा रहे हैं चेक एबडोमिनल गर्थ ऑफ पेशेंट एट लेवल ऑफ अम्बेलिकस अम्बेलिकस यानी कि नाभि के अराउंड हमें जो एबडोमिनल गर्थ है पेशेंट की वो हमें चेक करनी है उसके बाद पोजिशन ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या क्या पोजिशन देनी है हमको प्रोसीजर के दौरान फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है फाउलर्स पोजिशन नियर द एज ऑफ बेड फर्स्ट प्रायोरिटी और सेमी फॉलवर्ड पोजिशन है सेकेंड प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी हमें फॉलवर्ड पोजिशन देनी है सेकेंड पोजिशन में सेमी फॉलवर देनी है दे आगे मैं डायग्राम में आपको बताऊँगा कि किस तरह से पोजिशन देंगे तो आप आखिरी तक बने रहें उसके बाद साइट जो है कहाँ पर हमें पैरासेंटेसिस करना है टू टू थ्री फिंगर्स बिलो द अम्बेलिकस अम्बेलिकस से टू टू थ्री फिंगर या वन टू टू इंच बिलो द अम्बेलिकस ओके दिस विल बी द साइट ऑफ एवडोब मिड लाइन बिटवीन सिंफाइसिस प्यूबिस एंड अम्बेलिकस एक और साइड हम बोल सकते हैं कि मिड लाइन सिंफाइसिस पीबीस के और अम्बेलिकस के बीच में जो मिड लाइन होती है वहाँ पर भी हम पंक्चर कर सकते हैं नेक्स्ट इज टू टू थ्री इंच अलोंग विद अम्बेलिकस टू एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स पाइन सेकेंड प्रायोरिटी हम क्या दे सकते हैं दो से तीन इंच अम्बेलिकल अम्बेलिकस के साथ में इंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन की तरफ उसके बाद क्या करना है हमें क्लीन द साइट विद बिटाडिन बिटाडिन से साइट को क्लीन करना है इंसर्शन ऑफ नीडल इन पेरेटोनल कैविटी इन जेड डायरेक्शन ओके हमें जेड डायरेक्शन में क्या करना है पेरेटोनल कैविटी के अंदर नीडल इंसर्ट करना है नेक्स्ट इज कनेक्ट आईवी सेट विद नीडल आईवी सेट को कनेक्ट करना है नीडल के साथ कनेक्ट द फ्लूड इन कलेक्शन बॉटल एंड बॉटल शुड बी प्लेस्ड बिलो द लेवल ऑफ पेरेटोनल कैविटी यानी कि हमें ग्रेविटी का फायदा मिले इसलिए हमें क्या करना है यानी कि हमने जो कनेक्ट कर लिया है ये एक आदमी बैठा है जिसका पेट है और यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया है तो उसको बिलो द लेवल ऑफ नीचे रखना है उसको ग्रेविटी के लेवल से नीचे रखना है जिससे कि ग्रेविटी के फोर्स से जो फ्लूड है यहाँ से जो निकल रहा है वो इसमें आ जाए ड्रेसिंग टू द साइट उसके बाद क्या करना है ड्रेसिंग टू द साइट एंड प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजिशन टू द पेशेंट आफ्टर पोजिजर प्रोसीजर हमें क्या करना है उसको सेमी फाइनल फाउलर पोजिशन देनी है प्रोसीजर के बाद और वो जो साइट है उस पर ड्रेसिंग हमें करनी है रिमूव टू लीटर फ्रॉम केविटी वंस अ टाइम एक बार में हमें टू लीटर फ्लूड ही रिमूव करना है इफ़ नीडेड प्रोसीजर कैन बी रिपीटेड आफ्टर एट आवर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आठ घंटे के बाद प्रोसीजर को क्या किया जा सकता है रिपीट uh, किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है नर्सिंग रोल आफ्टर प्रोसीजर प्रोसीजर के बाद क्या क्या नर्सिंग रोल होंगे फर्स्ट इज़ चेक द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट पेशेंट के वाइटल साइन हमें चेक करना रहेंगे चेक द अमाउंट ऑफ फ्लूड विड्रॉन कितना फ्लूड हमने निकाला है वो भी हमें हिसाब किताब रखना पड़ेगा ऑब्जर्व फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर हो रही है पोलिटर्नाटिस हो सकता है वो सब हमें कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व करनी है चेक फॉर एबडोमिनल गर्थ एबडोमिनल गर्थ हमने पहले भी मापी थी यानी कि प्री प्रोसीजर भी मापी थी और पोस्ट प्रोसीजर मापनी है तो उससे क्या हमें पता चलेगा डिफरेंस यानी कि कितना कितनी कमी आई है एबडोमिनल गर्थ गर्थ में

टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ पैरासिटेसिस पैरासेंटेसिस की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए आ, क्या ऑब्जर्व किया जाता है तो सबसे पहले पेशेंट रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही होगी उसको उससे आराम मिल जाएगा चेक एबल गर्थ ठीक है वो सब हम पता चलेगा रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एबल ऑर्गन्स प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और पेशेंट बिकम कम्फर्टेबल तो ये चारों हमारी प्रायोरिटीज़ हैं क्या चेक करने के लिए पैरासेंटेसिस की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो है हमारी पेरीटोनाइटीज इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम सेकेंड इज ब्लीडिंग डू टू इंजरी ब्लीडिंग भी हो सकती है दोस्तों वहाँ पर उसके बाद है हाइपोवॉलिमिक शॉक हाइपोवलमिक शॉक के अंदर जा सकता है पेशेंट ड्यू टू तो एक्सीडसी रिमूवल ऑफ फ्लूड ओके हम बहुत ज़्यादा फ्लूड अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा हाइपोवॉलोमिक शॉक में ही जाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन हो सकता है ऐसा वॉट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स मैन एक्सीडेंटली थ्री लीटर फ्लूड रिमूव ड्यूरिंग पेरास अगर हमने तीन लीटर निकाल दिया है तो क्या हो सकता है वेस्कुलर कोलैप्स हो सकता है और फिर पेशेंट शॉक में जा सकता है इंस्टक्ट द पेशेंट फॉर लो सोडियम इंटेक इन डाइट पेशेंट को बोलना है कि सोडियम कम लें जिससे कि वॉटर का और जो है वहाँ पर कलेक्शन ना हो फाइंडिंग्स नॉर्मली फ्लूड इज कलरस एंड ऑर्डरलेस ओके नॉर्मल जो है फ्लूड कलरलेस होना चाहिए अगर सिंग्विनिक कलर है तो एब्डोमिनल कैंसर को शो करता है मतलब ब्लड के साथ अगर आ रहा है तो क्या शो कर रहा है एब्डोमिनल कैंसर शो कर रहा है तो इस तरह से दोस्तों छोटा सा टॉपिक था हमारा और ये एक तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डायग्राम है प्यारा डायग्राम ठीक है ऐसा डायग्राम मैं बना नहीं सकता इसलिए मैं आपको तो डायरेक्ट दिखा रहा हूँ तो इसमें क्या है ये पेशेंट लेटा हुआ है सेमीफाइनल फॉर्मस पोजीशन में और वैसे तो सुपाइन में लेटा हुआ है लेकिन सेमी फॉर्मल पोजिशन हमको देनी है और यहाँ पे असाइटिस हो रखा है उसको ये फ्लूड कलेक्शन हो रखा है ठीक है और ये यबडोमन नेडल हमने नीडल इंसर्ट की यहाँ पर और फिर हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर यह कंटेनर है हमारे पास इस कंटेनर के अंदर हम फ्लूड को इकट्ठा कर रहे हैं और इस तरह से हमारा जो है प्रेशर रिलीव हो जाएगा पेशेंट के पेट पर जो है और बस दोस्तों इतना ही ये तो छोटी सी वीडियो प्रस के ऊपर वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और क्या करना है उसके बाद बताइए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना ना भूलें आइकन भी ज़रूर प्रेस करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट